A very good morning, my little children. How are you all? I hope you all are doing well at your home. I am your teacher, Mrs. Neelam Negi from RCF Dhangu. चलो हम अपनी हिंदी की कक्षा का कार्य आरंभ करें। आज हम अपनी कक्षा में क्या करेंगे? पिछली कक्षा में हमने स्वरों का ज्ञान किया था, स्वरों को सही क्रम में लिखने का अभ्यास किया था, और इस कक्षा में हम करेंगे व्यंजनों को सही क्रम में लिखने का अभ्यास। Now children, look here, देखो ये क्या है? मैम ने आपके लिए ट्री बनाया है। क्या है? ट्री। और इस ट्री के अंदर क्या है? ये तो फल नहीं है, ये क्या है? छ ण य ट क च। अरे ये तो हमारे व्यंजन हैं। ये क्या है? व्यंजन। तो ये हमारे व्यंजनों का क्या है? पेड़ है। ये है हमारा व्यंजन ट्री। और इसमें हमने क्या करना है? देखो ये तो सही क्रम में नहीं है, छ ण य ट च ख आगे पीछे लगे हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे? जैसे हमने स्वरों को व्यवस्थित क्रम में लिखा था, वैसे ही आज हम व्यंजनों का अभ्यास करेंगे और व्यंजनों को सही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि हमने तो व्यंजन लर्न किए हैं। हमने लर्न किया है ना क से ण तक। तो चलो देखते हैं, आज मैम भी देखेंगे और आप भी देखो, ठीक है? ये हमारे व्यंजन का पेड़, और इसमें से अभी हमने फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले कौन सा व्यंजन आता है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या व्यंजन आता है? व्यंजन क, व्यंजन क। और यहाँ पे मेरे पास फ्लैश कार्ड्स हैं, ये मैंने अलग से बनाए हैं। तो अब मैं इन्हीं को यहाँ पे व्यवस्थित करूंगी, ओके? सबसे पहले आया व्यंजन क, तो ये है हमारा व्यंजन क। अब क के बाद क्या आता है? ढूंढो, क के बाद क्या है? ख, ख खरगोश, क कबूतर, देन ख खरगोश। अब ख खरगोश के बाद क्या आता है? कहाँ गया हमारा ग से गमला? ये है हमारा ग से गमला। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ग गमला। ग से गमला के बाद घ से घर। चलो हम सब बैठे अपने घर के अंदर। ये है घ से घर, और यहाँ पे ये है घ से घड़ा। इसके बाद क्या आता है? घ के बाद अणा खाली, जोर से बजाओ ताली। तो अब हम यहाँ पे करेंगे अणा खाली। ये हो गया हमारा अणा खाली, और इसको हम बोलते हैं क वर्ण। क्या बोलते हैं? क वर्ण। क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ा, ग खाली, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? क वर्ण। अब दूसरा क्या होता है? अंग के बाद क्या आता है? च। क्या आता है? च चरखा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे च चरखा। ये देखो यहाँ पे हमने रख दिया च चरखा। च चरखा के बाद ढूंढो क्या आता है? च चरखा के बाद छ से छाता। ये है हमारा छ से छाता। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा छ से छाता। इसके बाद ज से जग। तो ये है हमारा ज से जग। उसके बाद झ से प्यारा प्यारा झंडा, तीन रंगों का झंडा। और ये हमारा झ से झंडा। यहाँ खाली, कहाँ पे है हमारा यहाँ? ये है। तो ये है हमारा यहाँ खाली, जोर से बजाओ ताली। और अब हमारा इसको हम क्या बोलते हैं? च वर्ण। ये च छ ज ज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? च वर्ण। च चरखा, छ छाता,
ज जग झ झंडा य खाली। अब इसके बाद क्या आता है, य के बाद ट टमाटर, लाल लाल टमाटर, ये है हमारा ट से टमाटर। ट से टमाटर की बात क्या है ढूंढो, ठ, ठ से ठप्पा, जल्दी से लगा दो ठप्पा। और ठ से ठप्पा की बात क्या आता है, ड से डमरू, ड ड डमरू, ये है ड से डमरू, डम डम बाजे डमरू। ड डमरू के बाद ढ से ढक्कन, खाने को ढक दो, ढक्कन से ढक दो, ये है ढ से ढक्कन। और ढ से ढक्कन के बाद लास्ट में अण खाली, और बच्चे लोग बजाएंगे ताली, और इसको हम बोलते हैं ट वर्ण। क्या बोलते हैं, ट वर्ण। ये पहले है क वर्ण, इसमें क ख ग ग ङ आता है, च वर्ण में च छ ज ज ञ, और ट वर्ण में ट ठ ड ढ ण। तो ये देखो, यहाँ इस पेड़ पर, वृक्ष पर हमारे व्यंजन आगे पीछे थे, और यहाँ पे हमने अपने व्यंजनों को व्यवस्थित करके लिख दिया है, ठीक है। तो अब एक बार आप मैम के साथ में पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है जब भी काम करते हैं, पता क्या करते हैं, इससे क ख ग घ तो यहाँ पे लिखते हैं, और अंगों को यहाँ च के साथ लिख देते हैं, और फिर यहाँ च छ ज करते हैं, और फिर झ को अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये देखो, ये क वर्णमाला है, ये आपने एक ही लाइन में लिखनी है, ठीक है। क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ा, और अंग खाली, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में आप लिखेंगे च वर्ण। तो अगर आप इन सबको मिक्स करेंगे तो ये वर्णमाला आपसे हैप्पी नहीं हो जाए, हैप्पी नहीं होगी, सैड हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करना है। अब हम जब च वर्ण पढ़ेंगे तो पूरी लाइन एक साथ लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। च चरखा, छ छाता, ज जग, झ झंडा, इया खाली, इसको क्या बोलते हैं, इया। और इसके बाद आता है ट वर्ण। क्या है ये, ट वर्ण। तो ये लाइन को हम ट वर्ण बोलते हैं, तो इसको भी हम इसके साथ एक साथ लिखेंगे, ठीक है। बोलो, ट टमाटर, ठ ठप्पा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अण खाली, जोर से बजाएंगे ताली। अभी आपको समझ आया, ठीक है, ऐसे कितने लिखना है, गलत बिल्कुल नहीं लिखना है, व्यंजनों को अच्छे से सही रूप में बोलना है और सही रूप में लिखना है, ठीक है। और ये देखो, मैम ने आपकी नोटबुक भी सेट की है, ये कल का काम है, 28/20/2020, ठीक है। और यहाँ पे मैम ने क्या बनाया है, ये देखो, एक पेड़ बनाया है, आप चाहें तो इसको ग्रीन कलर भी कर सकते हैं, और इसके अंदर मैंने व्यंजन लिखे हैं, पेड़ पर लगे व्यंजनों को सही क्रम में लिखो, और आपने इनको सही क्रम में लिखना है, क वर्ण, च वर्ण और ट वर्ण, ठीक है। आप ये क वर्ण यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आपने सिर्फ यहाँ पे क ख ग अच्छे से लिखना है। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ आ गया है व्यंजन क से अण तक। तो अब आप अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और बोल बोल के लिखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।